So today on my project, dead time parameter using nuclear radiation detector. So next देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ये डेड टाइम की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इनके ग्राफ कैसे पहले प्लॉट करते हैं और इसकी कैलकुलेशन और ये होते क्या हैं, इसमें किस प्रकार के मेथड यूज किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे व्हाट इज द डेड टाइम। ये मिनिमम सेपरेशन टाइम को ही क्या कहते हैं, डेड टाइम कहते हैं। अब इस डेड टाइम को मेजर करने के लिए टू प्रकार से मेजर किया जा सकता है, इंट्रेंसिक डेड टाइम और द पल्स प्रोसेसिंग डेड टाइम। अब इंट्रेंसिक डेड टाइम क्या होता है, ज्योमेट्री मटेरियल होता है, ज्योमेट्री मतलब ट्रेंगल वगैरह होता है, मटेरियल मतलब टाइल्स वगैरह यूज किए जाते हैं, डिजाइन ऑफ डिटेक्टर एज वेल एज ऑपरेटिंग कंडीशन सच एज अप्लाइड वोल्टेज एंड टेम्परेचर। मतलब जैसे कि वो होता है जीएम काउंटर का यूज किया जाता है। अब जैसे ये पल्स प्रोसेसिंग डेड टाइम सिस्टम, इसमें होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं एनालॉग टू डिजिटल ट्रांजेक्शन फॉर पल्स होता है। जैसे होता है कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर जैसे फोनों में बात करते हैं, इनके लिए यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये है डेड टाइम इफेक्ट ऑन द डिटेक्टर सिस्टम विल रिजल्ट इन लोअर ऑब्जर्व काउंट्स देन द ट्रू काउंट्स। अब इस डेड टाइम को इसी वजह से तो मेजर किया जाता है क्योंकि जो ट्रू काउंट रेट दी हुई है उसकी बजाय लोअर ऑब्जर्व काउंट रेट आती है, तो उसको देखते हैं किस प्रकार से मेजर किया जाए। उसके लिए टू मेथड होते हैं, वन पोलराइज और एक नॉन पोलराइज। अब वन पोलराइज क्या होता है, जब रेडिएशन इंटरेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड एज इंडिविजुअल इवेंट एंड विल रिसेट करता है डेड टाइम, उसे कहते हैं वन पोलराइज। उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख सकते हैं, एन इक्वल ट्रू काउंट रेट, एम इक्वल ऑब्जर्व काउंट रेट, टी इक्वल डेड टाइम। अब नॉन पोलराइज में क्या होता है, डेड टाइम फॉर ए डिटेक्टर सिस्टम इज फिक्स एंड इंटरेक्शन दैट द अकरिंग ड्यूरेशन दिस डेड टाइम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, एम इक्वल टू एन बाई वन प्लस एन टी। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब डेड टाइम डिटर्मिनेशन मेथड, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर डिटर्मिनेशन द डेड टाइम ऑफ ए डिटेक्शन सिस्टम। मतलब फर्स्ट मेथड कौन सा होता है, टू सोर्स मॉडल, और सेकंड कौन सा होता है, ये होता है डी के बिहेवियर रेडिएशन सोर्स यूजिंग आइसोटोप विद शॉर्ट हाफ वेव के साथ, शॉर्ट हाफ लाइफ के साथ, वेव के साथ नहीं, शॉर्ट हाफ लीव के साथ, जैसे कि इसमें मैथमेटिकली शो किया गया। और जैसे कि अब नॉन पोलराइज वाले केस में जो इक्वेशन निकाली थी, और अब इस केस के दोनों को मिक्स करके, अब क्या है, दोनों को मिक्स करके ये वाली इक्वेशन प्राप्त होती है। इससे हम इसके रेस्पेक्ट में टू द वैल्यू ऑफ एम, एम स्लोप ऑफ लीनियर प्रोवाइड कर रहे टी, तो देयर फॉर द डेड टाइम कैन बी ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द रेशियो ऑफ द स्लोप टू द इंटरसेप्ट वैल्यू। अब डेड टाइम मेजरमेंट विद रेडिएशन ऑब्जर्वेशन लॉ। अब रेडियस ऑब्जर्वेशन लॉ के साथ कैसे किया जाता है, जब एनी बीम ऑफ फोटोन पेनिट्रेट होते हैं थ्रू ए मटेरियल, तो ट्रांसमिटेड बीम इंटेंसिटी आई वन और गामा रे पासिंग होती है थ्रू ए मटेरियल से, तो इसको मतलब ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी आई वन और इनिशियल इंटेंसिटी कितनी होती है आई नेट, इस प्रकार से इसको मैथमेटिकल एक्स में एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई नॉट इंसिडेंट बीम इज एन इक्वल न्यू के लीनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट, ये बेसिकली काउंटर स्पेक्ट्रम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इनमें यूज किया। एक्स इक्वल क्या होता है, थिकनेस ऑफ द मटेरियल। अब ये होता है डिटरमाइन डेड टाइम फॉर द गम। अब डिटर टाइम, अब ये डिटरमाइन डेड टाइम को कम, इसको मेजर करने के लिए अटेन्यूएशन लॉ और जनरलाइज डेड टाइम करेक्शन मॉडल दोनों का यूज किया जाता है। अब गामा अटेन्यूएशन लॉ इज एक्सप्रेस टू गामा काउंटरिस्ट एन एंड एन नॉट, एन वन इक्वल एन नॉट इक्वल माइनस न्यू एक्स, एन नॉट इक्वल इंसिडेंट नंबर ऑफ ट्रू गामा रे, एन वन इक्वल ट्रांसमिटेड नंबर ऑफ ट्रू गामा रे। अब जैसे इसमें देख सकते हैं ये रिएक्शन में यूजिंग मास अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट, तो इसको यूज करके ये वाली इक्वेशन बना दी गई है न्यू बाई रो। जब कोई ऑब्जर्वर नहीं है, मतलब नो ऑब्जर्वर बिटवीन डिटेक्टर एंड रेडिएक्टर सोर्स के बीच में जब कोई ऑब्जर्वर नहीं है नॉन पोलराइजिंग केस में, तो ये इक्वेशन होगी जैसे कि इसमें दिखाया गया था इक्वेशन 8 में। और इफ यदि थिन मटेरियल प्लेस कर दिया जाता है तो बिटवीन द डिटेक्टर एंड द रेडियो एक्टिव सोर्स, तो इन दोनों के बीच में जब ये प्लेस किया जाएगा तो ये प्राप्त, ये 9 वाली इक्वेशन प्राप्त होगी। अब दोनों का रेशो लेके जो वैल्यू प्राप्त होगी
तो एन नॉट इक्वल टी, और जो लिखी एम वन माइनस एम नॉट ई की पावर माइनस न्यू रो डॉट रो एक्स बाय एम नॉट ई की पावर माइनस यू एक्स रो डॉट पी एक्स रो एक्स माइनस एम वन ई की पावर माइनस यू बाय रो डॉट रो एक्स, ये नॉन पोलराइज डेड टाइम मॉडल को निकालने वाली इक्वेशन है। अब पोलराइजिंग केस में भी ये करेंगे जब डिटेक्टर और रेडियो एक्टिव सोर्स के बीच में कुछ भी नहीं रखा गया है, तो नंबर 12 इक्वेशन बनती है। और जब जैसे थिन मटेरियल इज टू बी प्लेस होता है बिटवीन द डिटेक्टर एंड द रेडियो एक्टिव सोर्स, तो इक्वेशन 13 होती है। अब इनका दोनों का रेशियो ले लेंगे, 12 और 13 का रेशियो लेके और इक्वेशन 7 का यूज करेंगे, मतलब एटेन्यूएशन लॉ का भी यूज किया जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू भी पुट की जाएगी, मतलब एटेन्यूएशन लॉ का यूज किया जाएगा, तो पोलराइजिंग डेड टाइम मॉडल प्राप्त हो जाएगा। अब इसका देखते हैं वैलिडेशन ऑफ द DMRL मेथड, मतलब इसको यूज करने के लिए, मतलब अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसके थ्रू हम इसकी रीडिंग वगैरह को देख सकते हैं कैसे क्या किया जाएगा। एक एग्जांपल लेके, जैसे ये होता है CS-137 होता है, ये रेडियो एक्टिव गामा सोर्स होता है, जैसे कि ये फिगर बीम बताया गया है, ये होता है एकट और जिंगलर कंपनी होती है, दिसंबर 1, 2018 को यूज हुआ था, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा यूज किया गया था, जैसे कि डायग्राम भी में शो किया गया है। अब ये देखिए, जैसे मैं बता रहा था M1 डिटेक्टर और CS-137 सोर्स के बीच में कुछ, मतलब एक मटेरियल पैच के, तो इंसिडेंट रे एन नॉट और ट्रांसमिटेड गामा रे N1, तो गामा रे एटेन्यूएशन मेजरमेंट वर टेकन यूजिंग, अब इन गामा रे एटेन्यूएशन मेजरमेंट वर टेकन यूजिंग करेंगे, यानी थिक PE, मतलब एक पॉलीमर टाइप के होता है, एक मटीरियल होता है PE एथेन कुछ ऐसे करके होता है, मतलब PE टाइप का मटेरियल है, इसी प्रकार एक थिक लीड लिया जाता है इतने सेंटीमीटर मोटा, मतलब पतला होता है बिल्कुल पतला, तो टू बिट डिटरमाइन डेड टाइम ऑफ द NAITI डिटेक्शन सिस्टम, मतलब सोडियम आयोडाइड डिटेक्शन सिस्टम से मेजर किया जाता है। द गामा रे मेजरमेंट वर टेकन फॉर 5 मिनट विद 137 CS रेडियो एक्टिव गामा रे सोर्स एट, मतलब 662 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फॉर ईच इंडिविजुअल केस फॉर द सिंटिलेशन सिस्टम। जैसे कि इस ग्राफ में बताया गया, जैसे कि इस रीडिंग में बताया गया कि गामा ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट विद NAI, मतलब सोडियम आयोडाइड सिंटिलेटर डिटेक्टर एट 662 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पीक यूजिंग लीड इतनी एंड पी इतनी सेंटीमीटर ठीक रहनी चाहिए। अब जैसे काउंट रेट लेंगे, फर्स्ट का लिए तो बैकग्राउंड के लिए ले लेंगे एक बार 5 मिनट में, फिर CPS के बैकग्राउंड के लिए ले लेंगे, जब कोई भी ऑब्जर्वर नहीं है तो उस टाइम के लिए ले लेंगे, और जब उसके है तो उसके 5 मिनट के लिए ले लेंगे, और ऐसे लेट टाइम के लिए ले लेंगे जब, और एक CPS के लिए भी ले लेंगे, और PE के लिए भी ले लेंगे 5 टाइम के लिए, और एक PE CPS के लिए लेंगे, फिर इनका मीन ले लेंगे, और इनमें नेट एरर कितनी आ रही है, जैसे ये 9 ऑब्जर्वर 5, जैसे एम नॉट वाला पोर्शन है इसमें कोई ऑब्जर्वर, तो इसकी मीन वैल्यू 650.39, इसमें एरर कितनी आ रही है 650.2.09 एरर है। इसी प्रकार लीड CPS है M1, इसमें 593.15, तो 0.52 इसमें एरर आ रही है, और PE CPS M1 है तो 646.23, तो 646 है तो 0.82 इसमें एरर आ रही है। अब देख सकते हैं इसमें कॉन्क्लूजन क्या होता है, मतलब कॉन्क्लूजन मतलब इसका निष्कर्ष किस प्रकार से डायग्राम। अब जैसे मैं टू सोर्स मॉडल यूज नहीं किया इसमें, क्योंकि सिमिलर टू रेडियो एक्टिव सोर्स, मैंने डी के सोर्स मॉडल यूज किया डिटरमाइन, तो डी के सोर्स डेड टाइम डिटरमिनेशन मेथड कैन ओनली बी यूज व्हेन देयर आर रेडिएशन सोर्स विद सफिशियंटली शॉर्ट आर लीड, मतलब इस प्रकार से शो किया गया है। जैसे कि ये ग्राफ ही में 662 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब हाईएस्ट पी कितनी है 662 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, अब देख सकते हैं ये एनर्जी ये डायग्राम है पिक, ये है पिक डिफरेंस है विद मटेरियल और बिना मटेरियल के साथ, मतलब नो ऑब्जर्वर और लीड ऑब्जर्वर, यानी चैनल नंबर वर्सेस काउंट रेट, ये काउंट रेट मतलब पावर में लिखी गई है, बहुत ज़्यादा है इसलिए, और इस चैनल नंबर के बीच में दोनों को शो किया गया है, तो इतना ही डिफरेंस है। और वो फर्स्ट होता है वो एक्सपेरिमेंटल काउंट किया गया था ऑब्जर्वर
मतलब विदाउट ऑब्जर्वर के और एक लीड ऑब्जर्वर के साथ एंड 662 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। सो थैंक यू।